हेलो दोस्तों। हेलो, तो आप लोग कैसे हो? आज इस वीडियो में आपको तीन फ्लिप सिखाने वाला हूँ, आसान तरीके से बताऊंगा, वो भी मेरा स्टूडेंट आपको करके दिखाएगा। मेरा भाई है छोटा, सचिन कुमार इसका नाम है, ये आपको करके दिखाएगा। पहला स्टैंड हमारा होगा हैंड स्टैंड का, दूसरा स्टैंड होगा हमारा ये जो हम हाथों के सहारे ऐसे करके बैलेंस बनाएंगे, तीसरा स्टैंड हमारा होगा फ्रंट हैंड स्प्रिंग का। तो हम आपको बिना डर के आज सिखाने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। बहुत जल्द आपको इस चैनल पर डांस की वीडियो भी मिलने वाली है। मेरे पास अच्छा सा मोबाइल फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं वीडियो डांस की नहीं शूट कर पा रहा हूँ। तो चलो हम लोग सीख लेते हैं तीन फ्लिप, वो भी बिना डर के। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहती है। चलो हम लोग पहले स्टैंड की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टैंड हमारा रहेगा हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड आप लोग जल्द से जल्द कैसे सीखोगे, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग जानते हो, कोई भी हम लोग स्टैंड करते हैं, सबसे पहले आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना। जहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस करना, तो आपको सेफ्टी का ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करना। दूसरे स्टेप में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। चलो हम लोग हैंड स्टैंड की एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सचिन करके दिखाएगा, मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद शूट करूँगा और सचिन करके दिखाएगा। सचिन पहले आप पुशअप करके दिखाइए, पुशअप। हाथों को मजबूत बनाना है आपको, अपने हाथों को मजबूत बनाना है। पुशअप करके दिखाइए हमारे भाइयों को, ऐसे करके आपको करना है। देख सकते हो, इधर से करिए, इधर से ऐसे ऐसे। तो ऐसे करके आपको पुशअप करना है, देखो ऐसे करके, जैसे सचिन कर रहा। आप एक कर लेते हो तो एक कर सकते हो, दस कर लेते हो दस, या दो तीन, आप जितने चाहे उतने कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ऐसे करके। बस आपको ये करना है पुशअप, क्योंकि आपके हाथ में पावर आ जाएगी। दूसरा स्टेप आपको लेट के अपनी कमर को तोड़ना है, ऐसे करके, हाँ लेट के अपनी कमर को तोड़ना है जितना हो सके। हाँ ऐसे करके पैर पीछे करो, हाँ ऐसे ऐसे करके कमर को तोड़ो, हाँ ऐसे ऐसे करके आपको करना, अपनी कमर को तोड़ना है धीरे धीरे आप करना, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे करके जितना होता हो आपसे उतना करना। जब आप इतना कर लेना, सचिन अब खड़े हो जाइए, अब डी बनिए, लेट के डी बनिए, लेट के। देखो आपको सो जाना है और आपको डी बनाने की प्रैक्टिस करना, ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके आपको डी बनाना है, देखो ऐसे ऐसे करके, बहुत अच्छे। तो आप लोगों को डी बनाना आना चाहिए, तभी आप लोग हैंड स्टैंड जल्द से जल्द सीख पाओगे। खड़े हो जाइए ऐसे करके, अरे लेट जाइए यार, ऐसे करके। ये हो गई आपकी डी। अब आपको हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करना, कैसे करना होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको धीरे धीरे हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करना। यहाँ पर सचिन देखो करके बताएगा, आप लोग चाहे तो दीवार या पेड़ की मदद से हैंड स्टैंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर सचिन धीरे धीरे करना, धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे बताइए हमारे भाइयों को कैसे करना हैंड स्टैंड। आपको दोनों हाथ ऐसे रखना है, एक पैर पीछे एक पैर आगे, ऐसे करके देखो, लेफ्ट पैर आगे है, राइट पैर पीछे है, और हाथ जमीन पर, ऐसे करके आपको करना है। देखो करो धीरे धीरे, धीरे धीरे करना भी, ठीक है? ऐसे ये देखो, ऐसे आपको करना। आपको हैंड स्टैंड सीखना है जल्द से जल्द, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। अब फाइनल में आपको हैंड स्टैंड करना है, खड़े होने की कोशिश करो, खड़े होने की। देखो सचिन ने हैंड स्टैंड कर दिया, आप लोग देख सकते हो, और आप लोग देख लो इसकी कमर लची हुई, देखो कमर आपकी जितनी बैंड रहेगी उतना आपसे बनेगा, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है, जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों से हैंड स्टैंड आ जाएगी। अब चल के दिखा दीजिए एक बार, चल के इधर से चलिए ना, हम वीडियो खुद शूट कर रहे हैं ना भाई, तो आपको चलना है, चल के दिखाइए, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप दिक्कत मत लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब सचिन हैंड स्टैंड चल के आपको दिखाएगा, देख सकते हो। यहाँ पर देखो सचिन हैंड स्टैंड आपको चलते हुए करके दिखा रहा है, देख लो यहाँ पर, देख सकते हो। इस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करो, हैंड स्टैंड सीख जाओगे, आप लोग देख सकते हो। पहला स्टैंड आपका हैंड स्टैंड हो गया। अब दूसरा स्टैंड आपका है जो हाथों के सहारे हम लोग बैलेंस बनाएंगे, वो कैसे करना होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सचिन के कितने डोले सोले बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख लो, हाथ आपको अपोजिट रखना है, ऐसे करके देख सकते हो, और अपने कोहनी को मोड़ते हुए, अपने एल्बो को मोड़ते हुए अपने पेट पे लगाना है, देखो ऐसे करके, ऐसे लगाने की कोशिश करो, पेट पे मोड़ के ऐसे करके, और पैर आपको सीधे रखना है, सीधे ऐसे करके, जैसे हम लोग लेटते हैं, अब ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करना है, देखो ऐसे करके, देख लो ऐसे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी सचिन सही तरह से नहीं कर पाता, मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा ये, ठीक है? मेरा हाथ अभी नहीं सही है, और बहुत सारे भाई ये भी कमेंट करते हैं, करण भाई आप पहले खुद सीख लो। मैं क्या बताऊँ यार, मेरे हाथ में चोट लगी, इसलिए मैं स्टंट नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। जब मेरा हाथ सही हो जाएगा तो मैं स्टंट लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार आपको बैलेंस बनाना। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सचिन इधर आ जाएगी, अब थोड़ा इधर
दर्द करने लगे क्या? हाँ जरा आ जाइए थोड़ा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख लो मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, देखो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे एल्बो में जो कोहनी है अभी भी दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा, मगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के क्षेत्र में ट्यूटोरियल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं अपने हाथ उसी प्रकार रखूँगा, ये देखो आपको उचित रखना है और ये कोहनी को ऐसे मोड़ना है, अपने पेट पर लगाना है ऐसे करके, देखो ऐसे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कर दिखाया, आप लोग देख लो ऐसे करके आपको करना। इसे हम लोग मयूर आसन भी कह सकते हैं, मयूर आसन भी आप लोग देख सकते हैं ऐसे करके। इसमें आप लोग एक हाथ से भी बैलेंस बना सकते हो, मैं अभी एक हाथ से नहीं करूंगा क्योंकि मेरा राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, मगर ये टूटने के कारण थोड़ा कमज़ोर हो चुका, अभी नहीं करूंगा वन हैंड से। आप लोग वन हैंड से भी बैलेंस बना सकते हो। जब आप लोग ये दो फ्लिप कंप्लीट कर लेना, अब आपका अगला स्टेप आता है फ्रंट हैंड स्प्रिंग, वो आपको कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी सचिन आपको करके दिखा देगा। जाइए सचिन, जाइए जाइए आप कम बैक स्टंट फिल्म में जाइए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रंट हैंड स्प्रिंग करने के लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइज करना है, यहाँ पर आप लोग देख लो। देखो पहली एक्सरसाइज तो आपकी डी रहेगी, आपको डी बनाना आना चाहिए, आप लोग कोई भी स्टंट सीख रहे हो तो आपको डी बनाना आना चाहिए, देखो आप लोग डी बन जाना ठीक है, और सचिन ने आपको हैंड स्टैंड में डी बन के बता ही दिया है। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको किक किक लेना होता है फ्रंट हैंड स्प्रिंग में, किक एक पैर से जंप और हाथों को पुश करना होता है, करके दिखाइए सचिन, इधर से ये साइड, हाँ ऐसे करके। देखो फ्रंट हैंड स्प्रिंग भी आपको उसी प्रकार करना होता है, देखो हाथों को जमीन पे रखना धीरे धीरे ठीक है, अभी करना देखो ऐसे करके, और देखो राइट पैर से किक करना होता है, लेफ्ट पैर से जंप और हाथों से पुश ऐसे करके। देखो इसमें भी आपको ये बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जब आप लोग ये बैलेंस बना लोगे तो आप लोग बहुत जल्द फ्रंट हैंड स्प्रिंग कर लोगे। एक दो बार और करके दिखाइए, यहाँ पर देखो धीरे स्लो मोशन में करना ठीक है, आप बैलेंस बनाइए, मैं पास से थोड़ा फ़ोन लेके आ जाता हूँ। हाँ ऐसे हाथ रखिए अपने दोनों ऐसे करके, तो यहाँ हाथ रखिए एक बार हाथ पास, हाथ हाथ एक हाथ दोनों हाथ, यहाँ पर आप लोग देख लो, देखो आपको ऐसे हैंड रखना है और राइट पैर आपका पीछे रहेगा, लेफ्ट पैर आगे रहेगा, आप लोग देख सकते हो, और आपको राइट पैर से किक लेना है, लेफ्ट पैर से जंप और हाथों को पुश कर देना है, देखो ऐसे करके करिए एक बार सचिन, आप फास्ट करिए फास्ट तेज़ी से ऐसे ऐसे करके, देखो ये देखो स्टार्टिंग में आप लोग गिर भी सकते हो और इसी प्रकार भी आप लोगों से आ सकता है, तो आप लोग देख सकते हो, और एक बार करिए इधर से करिए, इधर से इस बार इधर से, तो यहाँ पर आप लोग देख लो सचिन कैसे करता है, देखो दोनों हाथ नीचे लगता है, देखो राइट पैर से किक लेफ्ट से जंप, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार आप लोगों से हो सकता है, और आप लोग देख सकते हो सचिन के पास कितने नोट है, आप लोग देख लो सारे पैसे गिर चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करना आ जाएगी। आप लोग देख लो आपको लेफ्ट पैर से जंप, राइट पैर से किक और हाथों को पुश करना होता है, आप लोग देख लो फिर से एक बार सचिन आपकी अच्छी तरह से, और डी बनाते हुए अपनी बॉडी को उठाना होता है, यहाँ पर आप लोग देख लो ऐसे करके, ये देखो हो गई डी बनाते हुए आपको अपनी बॉडी को उठाना होता, एक बार इधर से करिए और जल्द करना ठीक है, ये इस बार रुकना मत, ये आप लोग देख सकते हो। आप लोग फ्रंट हैंड स्प्रिंग में रनिंग भी ले सकते हो, आप लोग दरेस कर सकते हो, आप लोग दौड़ के भी कर सकते हो, आप लोग इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी जल्द आप लोग इसे परफेक्ट कर पाओगे। एक दो बार और करके दिखाइए सचिन, बस बंद करते हैं, ये आप लोग देख सकते हो ये परफेक्ट फ्रंट हैंड स्प्रिंग है। आप लोग इस प्रकार प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीख जाओ। आप लोगों को जल्द से जल्द फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीखना है तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, और करके दिखाइए एक दो बार ऐसे करके, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, आपको जल्द से जल्द फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीखना है तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना। अब एक बार आप सही तरह से यार सचिन भाई फ्रंट हैंड स्प्रिंग दिखा दीजिए हमारे भाइयों को, सही तरह से होना चाहिए इस बार। वाओ आप लोग देख सकते हो ये फ्रंट हैंड स्प्रिंग है, आप लोग देख लो, आप लोगों से इसी प्रकार होगा, आप लोग गिर भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो, या आप लोग सही तरह से खड़े भी हो जाओगे। यहाँ पर आप लोग देख लो सही तरह से, इस बार लास्ट बेरिया सचिन भाई फ्रंट हैंड स्प्रिंग कर रहा है, आप लोग देख लो, ये देखो ये फ्रंट हैंड स्प्रिंग, आप लोग इस प्रकार प्रैक्टिस करो सीख जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय करिए, बाय बाय, जोर से करिए जोर से बाय, और सब्सक्राइब को भी तो यार बता दो हमारे भाइयों को, बोलिए बोलिए सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना।